ज्यूटर कोचिंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका एक लेक्चर हो गया था। और हम लोगों ने क्या होता है ह्यूमर इसकी चर्चा कर लिया था, क्या होता है रिफ्लेक्टिव थॉट इसकी चर्चा कर लिया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया इसकी चर्चा कर लिया था, और थर्मोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है इसकी चर्चा कर लिया था। हम लोगों ने कहा था हेल्थ किन बातों से अफेक्टेड होती है तो इसकी चर्चा कर लिया था। हेल्थ की डिफिनेशन हम लोगों ने जान लिया था। हेल्थ की डिफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, गुड हेल्थ कैसे पाया जा सकता है, और इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कौन सी होती है ये भी जान लिया था। तो आज हम उसके आगे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और बेटा उससे पहले कंटिन्यू करें आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि बेटा इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि हम लोग इसका एक भी रुपए चार्ज नहीं कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा यूट्यूब पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके क्वेश्चन भी हम आपको इसी पर डिस्कस करेंगे और आपके इसके क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जब तक आपका नीट का एग्जाम 2021 का नहीं हो जाता है। तो प्लीज बेटा इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में चैनल जाए। चलिए बिना टाइम को खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में हम लोगों को पढ़ाई करनी है, उसके बारे में जानना है कि हम लोगों में कौन कौन सी कॉमन बीमारी, डिजीज का मतलब कॉमन बीमारी कौन कौन सी होती है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा तो सुनते हैं, जिससे हम कैसे वो किससे होता है, कैसे इससे क्या सावधानी होना चाहिए और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये तमाम सारी चीजें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लिखा है अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोवंस, हेलमिंथ, ये सब कुड एसेट्रा कुड काजेज डिजीज इन मैन। कहा गया है कि ऐसे तमाम तरीके के जीव हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोवन, और किसकी बात की गई, हेलमेंट की बात की गई है, और ये क्या करते हैं सब, कुड काजेस डिजीज इन मैन। ये जो तब बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जो फंजाई होता है, जो प्रोटोजोवंस होता है, जो हेलमेंट होते हैं, ये सब ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज काज करने का काम करते हैं। तो कहा गया है कि आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में डिजीज कैसे काज होती है, तो आप कौन काज करता है उसका आंसर है। तो कहा गया है बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डिजीज काज कर सकते हैं, वायरस काज कर सकते हैं, डिजीज काज कर सकते हैं, फंजाई डिजीज काज कर सकते हैं, प्रोटोजोवंस डिजीज काज कर सकते हैं, हेलमिंथ डिजीज काज कर सकते हैं, यानी बीमारी काज कर सकते हैं। अब कहा गया, देखिए क्या लिखा आगे, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, बोलो पैथोजन। बेटा यहां से ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको मार्क करता हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट बात है आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पैथोजन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको हम घेरे में भी ले रहे हैं कि पैथोजन किसे कहते हैं, आपको ये बात ध्यान देना है कि पैथोजन किसे कहते हैं, तो कहोगे ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग्स में बीमारी काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। फिर से देखिएगा कौन कौन से लिखा है, कौन से, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोवंस, हेलमिंथ लिखा, उनके लिए सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे डिजीज कॉजिंग जीव जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस। यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डिजीज काज कर रहा है तो आपके लिए क्या होगा, कहोगे हमारे लिए एक पैथोजन होगा। कोई वायरस आपकी बॉडी में डिजीज कर रहा है, क्या होगा आपके लिए, पैथोजन होगा। कोई फंजाई आपकी बॉडी में डिजीज काज कर रहा है, क्या कहलाएगा, पैथोजेंस कहला सकता है। कोई प्रोटोजोवंस आपकी बॉडी में डिजीज कर रहा है, क्या कहेगा, पैथोजेंस कहलाएगा। कोई हेलमिंथ आपकी बॉडी में डिजीज काज कर रहा है तो क्या कहलाता है, पैथोजन। यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन बोलते हैं, इस बात का बेटा आपको ध्यान देना है। सभी लोग चाहे जो भी
आप चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े हो बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हम उसको जितने सरलतम भाषा में आपको समझा सकते हैं समझाने का प्रयास करेंगे, और बार बार हम बोल भी रहे हैं। देखिए क्या लिखा, पैथोजेंस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। कहोगे ऐसे लोग जो डिजीज काज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। यानी हम आपसे कहें एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज करता है, क्या कहलाएगा बैक्टीरिया, क्या कहलाएगा पैथोजन। एक वायरस है जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज करता है, क्या कहलाएगा, आप कहोगे पैथोजन कहलाएगा। एक फंजाई डिजीज काज करता है ह्यूमन में, क्या कहलाएगा, कहोगे पैथोजन कहलाएगा। एक प्रोटोजोमन डिजीज काज करता है आपकी बॉडी में, क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। एक हेलमेंथ आपकी बॉडी में डिजीज काज करता है, क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। कोई भी जो आपकी बॉडी में डिजीज काज कर रहा है वो क्या कहलाएगा, पैथोजन। कई बार आपको बीमारी होती है, पूछा जाता है किस पैथोजन का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, यानी किसके नाते आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, किसके नाते आपकी बॉडी में बीमारी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन बोलते हैं। ठीक है बेटा ना, आगे देखिए, ऑल पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे काज हार्म टू द होस्ट बाई लिविंग और देम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां एक टर्म आया बेटा होस्ट, हालांकि आप जानते होंगे, जहां तक मुझे पता है आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको बताने की बात करूंगा। और एक टर्म आया बेटा यहां पर पैरासाइट, आप जानते हो लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे, आप बोर मत होइएगा प्लीज, आपको इसको ध्यान देना है। लिखा ऑल पैरासाइट, यानी कोई भी पैरासाइट जो किसी बॉडी पर डिपेंड रहता है, यानी अगर कोई भी किसी बॉडी पर डिपेंड रहता है तो उसको हम लोग, जो डिपेंड रहता है उसको पैरासाइट कहते हैं, जिस बॉडी पर डिपेंड होता है उस बॉडी को हम लोग होस्ट कहते हैं। कहा गया है ऐसा कोई भी पैरासाइट जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी पर जाता है और उसको वो नुकसान पहुंचाता है तो क्या कहलाएगा बोलो, पैथोजन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। पैरासाइट जाए हमारी बॉडी पर, हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी पैरासाइट, ऑल द पैरासाइट, जो भी इस प्रकार के पैरासाइट हैं जो हमारी बॉडी पर आते हैं या किसी भी बॉडी पर जाते हैं, किसी भी जीव की बॉडी पर जाते हैं और उनको हार्म, उनको घाटा पहुंचाते हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारी काज करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, कहा गया है वो लोग क्या कहलाते हैं बोलो, पैथोजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पैथोजन। अब बताओ दो बात, पैरासाइट कौन हुआ जो डिपेंड है किसी दूसरी बॉडी पर, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट, और जिस पर कोई डिपेंड है वो क्या कहलाता है बोलो, होस्ट कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, द पैथोजन, आगे देखिए लिखा है द पैथोजन कैन एंटर, हमारी बॉडी में आते हैं, आवर बॉडी बाई वेरियस मीन्स। कहा गया हमारी बॉडी में जो ये पैथोजन की एंट्री होती है, यानी हम मान लो है हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज कॉजिंग जीव की जो एंट्री होती है, ऑर्गेनिज्म की जो एंट्री होती है, कहा गया वो बहुत तरीके से हो सकती है, आ सकते कैसे, और हमारी बॉडी में आने के बाद क्या करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी। हमारी जो शरीर की वाइटल एक्टिविटी होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं, वो उसको, जो हमारी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने का एक रिदम होता है, उसको आने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर करती हैं, उसमें डिस्टरबेंस काज करते हैं। हमारी बॉडी एक सुचारू रूप से चल रही थी, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं था, मान लो कोई पैथोजन आता है, अब हम बार बार पैथोजन बोलेंगे, यानी वो पैथोजन कौन हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो पैथोजन कौन हो सकता है, वायरस हो सकता है, वो पैथोजन कौन हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वो पैथोजन कौन हो सकता है, प्रोटोजोअन हो सकता है, वो पैथोजन कौन हो सकता है, हेलमिंथ हो सकता है। वो हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सी वाइटल एक्टिविटी है, जो हमारी बॉडी नॉर्मल रूटीन में चल रही थी, उसमें इंटरफेयर करता है, यानी हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस काज करता है। और क्या लिखा गया है, रिजल्टिंग, उसके फलस्वरूप क्या होता है, रिजल्टिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। यानी हमारी बॉडी को मॉर्फोलॉजिकल रूप से, यानी बाहरी रूप से अगर हमारी बॉडी को कोई देखे, या हमारी बॉडी के फंक्शन रूप से, हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है, उन दोनों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है कोई भी। कहा गया है हमारी बॉडी में पैथोजन आने का क्या वे है,
क्या रास्ते हैं, ताकि वो बहुत तरीके से आ सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। मैं बार बार किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू पहुंच सकते हैं, या किसी व्यक्ति को कोई डिजीज हुआ हो उसको फैलाने वाला जो वेक्टर है वो हम तक पहुंचा सकता है। तो कई तरीके के वे हैं जिसके हमारी बॉडी में पहुंच सकते हैं, और पहुंचने के बाद क्या करते हैं, हमारी जो वाइटल एक्टिविटी होती है, हमारी जो जैव क्रियाएं होती हैं, उसको वो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। और उसके जब वो डिस्टर्ब होता है तो हमारी मार्फोलॉजिकल, यानी आपको पता है मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, जो हमारी बॉडी का एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, या किसी का भी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसको मॉर्फोलॉजिकल हम लोग बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल वे बोलते हैं, तो उसमें डिस्टरबेंस काज होता है, और बॉडी हमारी जो नॉर्मल फंक्शन कर रही थी उसमें डिस्टरबेंस काज कर देते हैं। पैथोजन हैव टू एडॉप्ट टू लाइफ विद इन, देखना कहां लिखा है, लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में आएगा, अब आप सोचो कि हमारी बॉडी में कोई भी जीव आता है, यानी कोई भी पैथोजन, और कैसा जीव आता है जो डिजीज काज कर, हम शर्त ये है, हम पैथोजन तब बोलेंगे जब हमारी बॉडी में आकर के वो कोई बीमारी काज करेगा। कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी में आता है और अपने नंबर को बढ़ाता है, तो निश्चित तौर पर वो क्या कर चुका होगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है शायद उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल चुका होगा, एडॉप्ट हो चुका होगा, तभी तो अपने नंबर को बढ़ाएगा। भाई कोई भी कहीं पर जाता है और जाने के बाद वहां उसका सर्वाइवल होता है, वहां उसका नंबर बढ़ता है, इसका मतलब हम ये कहने वाले हैं कि निश्चित तौर पर वहां के एनवायरनमेंट के लिए वो एडॉप्ट हो चुका है, वहां के एनवायरनमेंट के अनुसार वो ढाल चुका है अपने आप को। एक बैक्टीरिया, एक वायरस, या एक फंजाई, या एक प्रोटोजोवन, या एक हेलमिंथ हमारी बॉडी में आता है, और हमारी बॉडी का इंटरनल भी इन्वायरमेंट कुछ होता है, हम जहाँ होते हैं हमारा एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, हमारे सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है, और एक हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है। देखा किसके यहाँ, कोई कौन आता है, पैथोजन आता है और कहाँ जाता है, होस्ट की बॉडी में, जिसकी बॉडी में जाता है उसके, वो उसका क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, तो उसकी बॉडी में जाता है और वहां की इन्वायरमेंटल कंडीशन को वे अडॉप्ट करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन दैट एंटर द गट, ध्यान रखिए कहां, गट, मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन स्टमक एट लो पीएच एंड, क्या लिखा है, रेस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। कहा गया है एक पैथोजन हमारे गट के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है, यानी हमारे पेट में पहुंचता है, और वहां के पीएच पर, जो वहां का पीएच है उस पर वो सर्वाइव कर, आपको पता है आपके जो स्टमक का पीएच है 1.8 के आसपास, यानी 2 के आसपास आप मानते हो, इतने ज्यादा पीएच पर वो, यहां लो लिखा है मतलब 7 से कम होते जाते, एसिडिक मीडियम होता जाता है, एसिडिक मीडियम में रहते हुए अपने आप को सर्वाइव कराता है, और क्या लिखा है, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, रोक देता है। और जरा मुझे बताओ, अगर वो तमाम तरीके के जो हमारे बॉडी में तमाम तरीके के एंजाइम का सेक्रेशन है वो रुक जाएगा, तो बताओ दिक्कत होगी कि नहीं हो, उसकी बात क्या लिखा है, अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम। कहा गया है यहां हम लोग कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, ऐसे पैथोजेनिक जीव को हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो हमें डिजीज काज करते हैं या बीमारी काज करते हैं। लिखा है प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज इज इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्कस्ड। कैसे इनसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, कैसे इनका कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग भी यहां पर कुछ डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताया जाए। तो अभी आप मुझे बताइए, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स में बात किया जाए तो उसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ह्यूमन में, आप तो जानते हो कि बैक्टीरिया के थ्रू डिजीज हो सकता है, वायरस के थ्रू हो सकता है, फंजाई के थ्रू हो सकता है, प्रोटोजोन्स के थ्रू हो सकता है, हेलमिंथ के थ्रू हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं जो डिजीज काज करते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स में, जो बीमारी काज करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, तो उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। बहुत ध्यान सुना, ऐसे कोई पैरासाइट, ऐसा कोई जो आपकी बॉडी पर डिपेंड है वो पैरासाइट कहलाएगा। अगर वो आप में या किसी भी जीव में
वो डिजीज काज करता है, वो उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, तो निश्चित तौर पर वो पैथोजन कहलाता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं, इस बात का बेटा ध्यान रखना। यहां एक बात सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ये आपको ध्यान रखना, पैथोजन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करते हैं, बताया जाए यहां पर हम लोग कुछ ऐसे पैथोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सही सही ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आपको ध्यान देना। लिखा साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच काजेज टाइफाइड, अंडरलाइन और घेरे में दोनों में लेना है। क्या काज करता है बोलो? टाइफाइड। और टाइफाइड क्या है? फीवर है, बुखार होता है इन ह्यूमन बीइंग्स। अब सबसे पहले तो आप ये जानो कि जब आपको एनसीईआरटी ने ये बताया है कि यहां पर हम ऐसे तमाम तरीके के पैथोजन की चर्चा करेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज काज करते हैं, तो वो आपने बैक्टीरिया भी पढ़ा, वो आपने वायरस भी सुना, वो आपने प्रोटोजोन्स भी सुना, आपने फंजाई भी सुना, आपने हेलमिंथ भी सुना। तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज काज हो रही है, कौन सी डिजीज हम आगे जब पढ़ाएंगे वायरस से काज हो रही है, कौन सी फंजाई से काज हो रही है, कौन सी प्रोटोजोन से काज हो रही है, कौन सी हेलमिंथ से काज हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपने साल्मोनेला टाइफी तो याद रखा कि ये जो है टाइफाइड काज करता है, टाइफाइड एक तरीके का बुखार होता है, आपने ये याद रखा। लेकिन आपने ये नहीं ध्यान रखा साल्मोनेला टाइफी है क्या, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, देखिए साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, लेकिन कैसा बैक्टीरिया है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब, पैथोजेनिक मतलब ऐसे लोग जो बीमारी काज करते हैं, जो लोग डिजीज काज करते हैं। तो और कौन से डिजीज काज कर रहे हैं बोलो बेटा? इंपॉर्टेंट निशान लगाओ इस पर, टाइफाइड काज कर रहे हैं। क्या काज कर रहे हैं बोलो? टाइफाइड। और टाइफाइड क्या है बोलो बेटा? फीवर। और कहां? ह्यूमन बींग्स में। तो आपसे पूछा जाएगा टाइफाइड फीवर किसके थ्रू होता है या किस पैथोजन के नाते होता है? कहोगे बेटा साल्मोनेला टाइफी के नाते होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है। क्या काज करता है? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है बेटा? फीवर है। ये आपको ध्यान रखना है। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बेटा ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर, और कैसा वाटर? कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट, क्या लिखा है? टू अदर ऑर्गन थ्रू बोलो क्या? ब्लड। आपसे पूछा पूछा जाएगा कि जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है, ये टाइफाइड फीवर काज करता है, आपकी बॉडी में वो सबसे पहले किसके थ्रू एंटर करता है? मेरे बेटा ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन भी है स्मॉल, लेकिन यहां पर टाइफाइड के केस में साल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी में कैसे एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। क्या ध्यान रखना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आप लेते हो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब है कि आप अशुद्ध यानी साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा खाना नहीं लेते हो, तब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में वो पहुंच जाता है। और इसका सिम्टम्स क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्टेन्ड हाई फीवर, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया है, यानी आप यूं कह सकते हो लगभग 102-103 के आसपास आपकी बॉडी में डिग्री फारेनहाइट, ये सेंटीग्रेड में लिखा है। बुखार आप जब थर्मोमीटर से मेजर करते हो तो फारेनहाइट में मेजर करते हो, लगभग 102-103 के आसपास बुखार अगर आपकी बॉडी में सस्टेन्ड लगातार बना हुआ, कंटिन्यूस बना हुआ है, तो आप समझ जाओगे कौन सा फीवर है? टाइफाइड। बहुत ध्यान रखना बेटा, आप देखे होंगे कि हम लोगों के गांव में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी क्या बोलते हैं, जैसे सुनना क्या बोलते हैं, कहते हैं यार लगातार बहुत दिन से हमें बुखार बना हुआ है और दवा करते हैं बुखार उतरता ही नहीं है। हाँ, इन बुखार नहीं उतरता है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा। कम ज्यादा नहीं होना, लगातार टेम्परेचर मेंटेन बने रहना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या बीमारी हुई है, कौन से टाइप का बुखार है, तब आप कहते हो टाइफाइड है।
उसमें क्या क्या लक्षण नजर आते हैं? कहोगे वीकनेस, कमजोरी लगती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता हेडेक भी होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, भूख भी कम लगती है, एंड सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीज, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। और भैया इस बीमारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम घेरे में कर दे रहे हैं और ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और फिर अंडरलाइन कर रहे हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ध्यान रखिएगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन को आपको अंडरलाइन करना है और यहां पर हम आपका निशान बना रहे हैं। एंड डेथ मे अकर इन सीवियर केस, डेथ मे अकर इन, भैया कहा गया है अगर टाइफाइड बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है, खतरनाक हो गया है, तो डेथ भी हो सकती है। अब यहां तक तो जितनी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइफाइड फीवर किसके किस किस किसके थ्रू काज होता है? सालमोनेला टाइफी। सालमोनेला टाइफी क्या है? बैक्टीरिया है, और ये क्या काज करता है? टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर अगर आपकी बॉडी में होता है तो वो बैक्टीरिया काज करता है, और कौन सा बैक्टीरिया? सालमोनेला टाइफी। आपकी बॉडी में एंटर करता है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड से होता हुआ डिफरेंट आपके बॉडी ऑर्गन में पहुंचता है, और सबसे जो बड़ा इसका सिम्टम्स है, सबसे बड़ा लक्षण है किसका? टाइफाइड का। इसका ये ध्यान देना है कि इसमें बेटा टेम्परेचर लगातार कंटिन्यूअस कांस्टेंट बना रहता है, इसमें दवा खाने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो कम नहीं होता है लगातार। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं पर मुझे कुछ और बताना है, तो आप ध्यान रखिएगा इस केस में, टाइफाइड के केस में आपकी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बना रहता है, वो उतरता नहीं है, कम नहीं होता है, तब हम समझ जाते हैं हमें कौन सा बुखार हुआ है, टाइफाइड फीवर हुआ है। उसमें क्या क्या होता है? वीकनेस लगती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ये सब अलग बात है। सबसे बड़ी बात इंटेस्टाइनल परफोरेशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि साल्मोनेला टाइफी का इंफेक्शन होने पर जब टाइफाइड बुखार होता है तो कई बार इंटेस्टाइन में, मेरे बेटा परफोरेशन का मतलब इंटेस्टाइन में घाव हो जाता है, इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हम लोग किस फीवर में बातचीत कर रहे हैं? कहोगे टाइफाइड के केस में। किसके केस में बोले? टाइफाइड फीवर के केस में बात कर रहे हैं। अभी इतना ध्यान आ गया, टाइफाइड फीवर कौन काज कर रहा है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? बैक्टीरिया। उसमें क्या होता है? टेम्परेचर लगातार बना रहता है, टेम्परेचर लगातार बना रहता है, उसमें टेम्परेचर उतरता नहीं है। आपके एनसीईआरटी ने लिखा 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने फारेनहाइट में 102 से 103 के आसपास बोला है। क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, ये तमाम सारे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग बात आपको ध्यान रखनी है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी आंत में वो घाव कर देते हैं, आंत में वो छेद कर देते हैं, इस बात को आपको टाइफाइड के केस में ध्यान रखना है। लिखा टाइफाइड फीवर, अगली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुड बी कंफर्म्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म्ड बाय, और लिखा है विडाल टेस्ट। आप बैठे होते हो, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर लगातार बना हुआ है, आप कहते हो कि हमें लगता है बुखार फील हो रहा है, आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब हमें 2-3 दिन से लगातार बुखार बना हुआ है, तो डॉक्टर साहब एक टेस्ट लिखते हैं, कहते हैं जाकर के इसको करा के आओ पैथोलॉजी में, तो तुम जाते हो और कौन सा टेस्ट लिखते हैं? विडाल टेस्ट। अब जैसे ही बेटा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा, यानी टाइफाइड के केस में डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखते हैं? आप कहोगे विडाल टेस्ट, यानी टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कहोगे विडाल टेस्ट। अब देखो कहा गया इन क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट द मैरी मेलॉन निक नेम्ड, भैया याद रखना है मैरी मेलॉन को हम घेरे में कर दे रहे हैं, मैरी मेलॉन निक नेम्ड टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर, सी वाज अ कुक बाई प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर हु क्या करती थी, हु कंटिन्यूड टू, क्या लिखा है, स्प्रेड टाइफाइड, स्प्रेड मतलब फैलाती थी, फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू, कैसे बोलो, थ्रू कैसे, फूड एंड फूड सी प्रिपेयर्ड। कहा गया मैरी मेलॉन
ग्लेडी थी, निक नेम टाइफाइड मैरी के नाम से यहाँ पर मेंशन किया गया है, बताया गया है, वो टाइफाइड की कैरियर हो गई। कैसे? कहा गया वो बाय प्रोफेशन वो कुक थी, खाना बनाने का काम करती थी। और बोलो कैसा? कहा गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आपकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की एंट्री होती है। कहा गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये फूड बनाती थी वो कंटामिनेटेड रहता था, यूं कह लो शायद पका नहीं रहता होगा अच्छे से, और उसमें तमाम तरीके के बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता था वो हमारी बॉडी में चला आता था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैरी मैट टाइफाइड के केस में क्या क्या ध्यान रखना है? साल्मोनेला टाइफी को ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर को ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, अगर टाइफाइड फीवर होता है तो टेस्ट कौन सा किया जाता है? विडॉल टेस्ट किया जाता है। मैरी मेलोन को याद रखना, कौन सी लेडीज से रिलेटेड है, क्या करती थी वो, फूड बनाती थी उसका क्या काम था, कुक थी वो खाना बनाने काम करती थी, और शायद कंटामिनेटेड फूड को वो बनाती थी, लोग उसको खाते थे और उनको इस तरीके की बीमारी हो गई थी, यानी उनको टाइफाइड नाम का फीवर हो जाता था। तो इसको आपको बेटा ध्यान रखना है। विटाल टेस्ट किसके लिए है? आपको कहोगे टाइफाइड के लिए है। किसके टाइफाइड किससे काज होता है? सबसे पहली बात, किससे काज होता है? बैक्टीरिया से काज होता है। कौन से बैक्टीरिया से काज होता है? साल्मोनेला टाइफी से काज होता है। इस बात को बेटा आपको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, स्टमक पेन है, वीकनेस है, हेडेक है, ये लगभग कोई भी बीमारी होती थी, कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो कहा गया, आंत में छेद की बात जो की गई, ये इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम, इसको आप ध्यान रखिएगा। किसका? इसका मतलब किसका? कहा गया टाइफाइड फीवर का। और दूसरी बात, टाइफाइड फीवर के केस में क्या होता है? टेम्परेचर लगातार कॉन्स्टेंट बना रहता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यानी आप बताओ गाँव में हो, तुम यहां से जाओगे पढ़ करके, और आपसे कोई पूछेगा, आप मान लो कोई गए, यार बहुत दिन से हमें फीवर लग रहा है हमारी बॉडी, तो तुम पूछोगे क्या कभी कभी कम भी हो जाता है? वो कहेगा नहीं, लगातार फीवर बना है। तुम क्या कहोगे उससे, बताओ क्या हो गया है? तुम कहोगे टाइफाइड फीवर हो गया है, और उससे कहोगे एक विडाल टेस्ट करा लो। क्या करा लो बोलो? विडाल टेस्ट, ठीक है ना, इतना समझ जाओगे ना। तो ठीक है, इतने तुम डॉक्टर बन गए। आज आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी दूसरी बीमारी की, तो ध्यान रखना क्या लिखा है। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, सबसे पहले ध्यान दें क्या लिखा है, बैक्टीरिया, और कौन सी बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी मेरे बेटा। एंड लिखा है बोलो क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये आपको ध्यान रखना, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, बोलो किसके लिए? निमोनिया के लिए। बहुत आपने सुना होगा कि यार लोगों को, यार इनको निमोनिया हो गया, उनको निमोनिया हो गया, ऐसा आपने बहुत सुना होगा। बताओ सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, जरा बताओ निमोनिया इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है, निमोनिया इंपॉर्टेंट है। निमोनिया किससे काज होता है? बैक्टीरिया से, और बेटा कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। क्या ये बैक्टीरिया है? और क्या, कौन सी बीमारी काज करता है, कौन सी डिजीज काज करता है? निमोनिया। अब देखना क्या है, इन ह्यूमन विच इज इन्फेक्ट दैट एल्विलाई, और क्या लिखा, एयर फील्डेड सैक्स ऑफ द, बोलो क्या, लंग्स, लंग्स को घेरे में लो भैया, द लंग्स, देखना ध्यान में, लंग्स निमोनिया के केस में कहां पर इंफेक्शन होता है? लंग्स में, फेफड़े में इंफेक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना, कहां पर होता है बोलो? लंग्स में इंफेक्शन होता है। किस केस में? निमोनिया के केस में। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? तो कहोगे बैक्टीरिया है। क्या बोलो? बैक्टीरिया है। और कौन सी बीमारी काज करता है? निमोनिया। और निमोनिया में क्या होता है? लंग्स में इंफेक्शन होता है, और उसके इंफेक्शन से क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द इंफेक्शन, यानी किसके इंफेक्शन से? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के इंफेक्शन से क्या होता है? द एल्विलाई गेट फील्ड विद फ्लूड लीडिंग टू, बोलो क्या लिखा है? सीवियर प्रॉब्लम इन, बोलो किसमें? रिस्पायरेशन में। अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। निमोनिया कौन काज करता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया के केस में इन्फेक्शन किसमें होता है, कहां तक पहुंच जाता है? लंग्स में पूछा जाता है। फिर क्या दिक्कत होती है? रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। द सिम्टम्स, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। द सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब लक्षण ऑफ निमोनिया, निमोनिया के लक्षण क्या है? इंक्लूड
फीवर भी आता है इसमें, चिल्स ठंडक भी लगती है, कफ भी होता है, हेडेक भी होता है। इन सीवियर केसेस, भैया इंपॉर्टेंट बात निशान लगाइएगा, इंपॉर्टेंट बात निशान लगाइएगा, लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। कहा गया है अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो लंग्स में इंफेक्शन होता है, बैक्टीरिया के नाते होता है। कौन से बैक्टीरिया के नाते? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इंफ्लुएंजा के नाते होता है। और पूछा गया है तो इसका इंफेक्शन कहां पर होता है, बॉडी में किस जगह पर? कहोगे लंग्स में। क्या दिक्कत करता है? रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम करता है। सिम्टम्स इसके क्या है, लक्षण क्या है? बुखार आता है, ठंडक लगती है, कफ बनता है, हेडेक, ये तमाम सारी चीजें तो है ही, खांसी आएगी, हेडेक होगा, ये तमाम सारे लक्षण तो है ही, ये हम सब देख लेंगे। लेकिन कहा गया अगर सीवियर केस है तो कहा गया लिप्स एंड फिंगर नेल्स, यानी लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं वो किस कलर में हो जाते हैं? ब्लू कलर में। किस कलर में? ब्लू। और किस कलर से? ग्रे से टू क्या हो जाते हैं? ब्लू कलर में, ब्लूइश कलर में, इन कलर। लोग कहते हैं ना, अरे यार इनका तो होठ नीला पड़ने लगा है। और ये गांव में जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है वो भी इस सिम्टम से पता लगा लगते हैं कि लगता है यार इनको निमोनिया हो गया। आपने सुना हो सकता है शायद कि यार उनके तो होठ नीले पड़ने लगे, उनके तो हाथ नीले पड़ने लगे, नाखून नीले पड़ने लगे, तो लगता है इनको निमोनिया हो गया। ये एक अलग की बात है कि वो ये नहीं जानते हैं कि निमोनिया किससे होता है। आप जानने लगे हो किससे होता है? बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। और कौन से? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे। निमोनिया इसमें क्या कहां दिक्कत आती है? फेफड़े में, लंग्स में दिक्कत आती है, रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है। इसका लक्षण क्या? खांसी आती है, फीवर होता है, ठंडक लगती है, हेडेक होती है। और कहा गया अगर निमोनिया का कसके अटैक हो गया है, यानी कसके निमोनिया हो गई है, तेजी से सीवियर केस हो गया है, तब आप कहोगे यहां तक इसमें निमोनिया में देखने को मिलता है कि लिप्स, होठ और जो आपके हाथ के नाखून नीले पड़ने लगते हैं, तो ब्लूइश, तो इसका लक्षण ध्यान रखना। जैसे हमने बताया था टाइफाइड में एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताया था? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। वैसे हमने निमोनिया में एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताई? ब्लूइश इन कलर। क्या? ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाता है। कौन? होठ और आपके हाथ के नाखून के नाखून। ये आपको ध्यान रखना है। हमने बताया था वहां पर टाइफाइड के केस में, हमने आपसे बताया था कि जरा मुझे बताइए आपकी बॉडी में एंट्री बैक्टीरिया की कैसे होती? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। बताया था इंटेस्टाइन परफोरेशन की बात किया था। निमोनिया हो गया तो किसमें दिक्कत होगी? लंग्स में दिक्कत होगी। और लंग्स में दिक्कत होने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी? रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ध्यान रखना है, अभी हम लोगों ने दो बीमारी पढ़ी है, एक टाइफाइड, वो क्या है? फीवर, और दूसरा निमोनिया। ये दोनों बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सिम्टम्स भी बता दिया है, इसको ध्यान रखिए। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इंफेक्शन बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट एरोसॉल, याद रखना, रिलीज्ड बाय एन इंफेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। ध्यान रखना, यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन। यूटेंसिल्स का मतलब क्या होता है? बर्तन। कहा गया है एक जो हेल्दी पर्सन होता है, अगर वो किसी इंफेक्ट, जिसको निमोनिया हुआ है, उसके संपर्क में अगर हेल्दी पर्सन आ जाए और क्या करे, उसके छींकने से, उसके खांसने से जो ड्रॉपलेट रिलीज होता है अगर उसकी बॉडी में चला जाए तो निमोनिया उसको भी हो सकता है। कहा गया इवन जो ग्लास शेयर करता, जो वो यूज करता है, वो ग्लास आप यूज करोगे, यानी वो जो बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, वो जो बर्तन यूज करता है उसको अगर आप यूज करोगे तो कहा गया पर्सन, हेल्दी पर्सन भी क्या हो सकता है? बोलो, इन्फेक्टेड हो सकता है। किससे? निमोनिया से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, बहुत ध्यान देना है, आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन, बोलो क्या? मैन, यानी टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है, डिसेंट्री भी बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है, डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन रुकिएगा, सुनिएगा, आपने टाइफाइड तो जान लिया किससे होता है और कौन सी बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया तो आपने जान लिया कि जो है किस बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपने जान लिया, क्या सिम्टम से भी जान लिया। अब बात आती है डिसेंट्री क्या है।
प्लेग क्या है, डिप्थेरिया क्या है, ये भी तो कहा गया एक बीमारी है। और डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया किससे काज होता है? आप कहते हो बैक्टीरिया से काज होता है, लिखा है ना, किससे बोलो, ये भी कैसे डिजीज है, बैक्टीरियल। यानी अगर आपके सामने कई सारी बीमारी लिखी हो और उनमें से पूछी जाए कि बताइए इनमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज है, तो आप पहचान जाओगे, बताओ टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं है, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं है, और कुछ नाम आपके यहाँ और लिखे गए हैं जैसे डिसेंट्री बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं है, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं है, डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में यहां मेंशन नहीं किया किस बैक्टीरिया से कैसे हो रहा, हम उसको आपको बताएंगे किस बैक्टीरिया से हो रहा है, क्या होता है डिसेंट्री, क्या होता है प्लेग, क्या होता है डिप्थेरिया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको अलग से उसका देंगे बताएंगे, यहाँ थोड़ा सा बता सकते हैं। डिसेंट्री का मतलब आप यूं समझिए कि डायरिया से रिलेटेड है, प्लेग का मतलब ये समझिए कि कई बार आर्मपिट में आप देखते हो साफ सफाई न रखने के नाते गांठ बनने लगती है, तो उसको हम लोग प्लेग कहते हैं। डिप्थेरिया में कई बार गले वगैरह में खराश वगैरह आने लगती है, उसके नाते भी, और किसके नाते होता है, बैक्टीरिया के नाते। अब डिसेंट्री कौन से बैक्टीरिया से होता है ये बताएंगे, प्लेग कौन से बैक्टीरिया से होता है ये बताएंगे, डिप्थेरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है ये भी बताएंगे। आपको ध्यान रखना है कि डिसेंट्री भी एक बीमारी है, वो किससे काज होता है, बैक्टीरिया से। प्लेग भी एक बीमारी है, किससे काज होता है, बैक्टीरिया से। डिप्थेरिया भी एक बीमारी है, कैसे, अगर ये टर्म आएगा, ये नाम आएगा, तो आपको बताना होगा बैक्टीरिया से काज होता है, और कौन से बैक्टीरिया से काज होता है हम अलग से पूरा टेबल बनाएंगे उसको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बताना है कि जरा मुझे बताइए निमोनिया की बात किया जाए तो किससे होता है, कहोगे बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। कहां पर दिक्कत होती है निमोनिया के केस में, लंग्स में क्या प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, और अगर सीवियर केस हो गया है तो लिप्स और फिंगर नेल्स जो है वो ग्रे से किस में कलर होने लगते हैं, ब्लूइश इन कलर होने लगते हैं, तो आप समझ जाओगे निमोनिया का सीवियर केस है। और सबसे बड़ी बात बेटा, बार बार बोल रहे हैं निमोनिया के केस में इसका इन्फेक्शन लंग्स तक हो जाता है, क्यों बोल रहे हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, आगे देखिएगा। अगला हम लोग जो बीमारी की बात करने चल रहे हैं बेटा, आप ध्यान रखिएगा, हम लोग वायरस से काज कर, अभी हम लोगों ने जो बीमारी पढ़ी है, चाहे वो हमने टाइफाइड फीवर पढ़ा हो, चाहे वो हमने निमोनिया की बात किया हो, चाहे हमने डिसेंट्री की बात किया हो, चाहे हमने प्लेग की बात किया हो, चाहे हमने डिप्थेरिया की बात किया हो, ये सब की सब बीमारी किससे काज हो रही थी, तो आपने बताया बैक्टीरिया से। और ऐसे लोग जो डिजीज काज करते हैं क्या कहलाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं हल्का सा, बोलिए पैथोजन बेटा कहलाते हैं। अब हम लोग वायरस वाले पैथोजन को पढ़ें चल रहे हैं, जो वायरस डिजीज काज करते हैं ह्यूमन बींग्स उसको पढ़ने चल रहे हैं, और देखते हैं, देखिए क्या लिखा गया, मेनी वायरसेस, ध्यान रखिएगा किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, वायरस, किसके बारे में, वायरस, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, वायरस, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, वायरस। मेनी वायरसेस आल्सो कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, और पहला वायरस जो आपके सामने दिया है, इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना मेरे बेटा, इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना, कौन सा वायरस, राइनो वायरस, ध्यान रखिएगा राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्टियस ह्यूमन एलिमेंट्स, दो क्या है, कॉमन कोल्ड, क्या काज करता, कॉमन कोल्ड, ध्यान रखना। सबसे पहला और आसान सा क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड किसके, किस पैथोजन से होता है, वायरस, नाम क्या है वायरस का, राइनो वायरस के ग्रुप से, जो राइनो वायरस के ग्रुप की कैटेगरी में वायरस आते हैं उनसे कॉमन कोल्ड होता है, जिसको आप जनरली यूजुअली आप सर्दी जुकाम बोलते हो उसकी बात करें कॉमन कोल्ड, ध्यान रखिएगा कॉमन कोल्ड किससे काज होता है, वायरस से, कौन से वायरस से, राइनो वायरस से। क्या होता है इसमें देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, इंपॉर्टेंट बात, बट नॉट द लंग्स। अभी आप एक डिजीज पढ़ के आ रहे हो, कितना डिफरेंस देखने को मिला, आपने निमोनिया पढ़ा, निमोनिया पढ़ा तो निमोनिया में आपको क्या समझ में आया किससे होता है, बैक्टीरिया से। फिर आपने पढ़ा कि निमोनिया में ही किसमें इंफेक्शन होता है, लंग्स में, और अभी आप क्या पढ़ रहे हो, बोलो कॉमन कोल्ड। जरा मुझे बताओ कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से, पहला डिफरेंस, दूसरा कौन से वायरस से, राइनो वायरस से,
और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना सभी लोग, प्लीज ध्यान से सुनिएगा सभी लोग जो लोग इसको अभी देख रहे हैं इस समय, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, क्या है वो, ये क्वेश्चन है कि निमोनिया के केस में लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कॉमन कोल्ड के केस में नोज में, और आपका जो रिस्पायरेटरी पैसेज होता है वहीं तक इन्फेक्शन पहुंचता है, कॉमन कोल्ड के केस में लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है, कॉमन कोल्ड के केस में लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बनता भी है कि निमोनिया में क्या होता है और कॉमन कोल्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, निमोनिया बैक्टीरिया से कॉज होता है, कॉमन कोल्ड वायरस से कॉज होता है। निमोनिया में के केस में लंग्स में इंफेक्शन होता है, कॉमन कोल्ड के केस में लंग्स में इंफेक्शन नहीं होता है। फिर कॉमन कोल्ड के केस में कहां इंफेक्शन होता है, नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज में। बेटा इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी। आगे लिखा है, द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाई नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन आपको नाक में कंजेशन होता है, एंड डिस्चार्ज होता है, गले में दिक्कत होती है, हॉर्सनेसनेस आती है, कफ होता है, हेडेक होती है, टायर्डनेस थकान लगती है, कॉमन कोल्ड के केस में ये सिम्टम्स हैं, इसको आपको ध्यान देना है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। आपने वैसे गांव में भी सुना होगा, यार जुकाम हुआ है 3 4 5 दिन तो लग ही जाते हैं, तो यहाँ एक एवरेज लिखा गया है 3 से 7 दिन में लगभग इसका ड्यूरेशन होता है, वो ठीक हो जाता है। लिखा है, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज, यानी खांसने और छींकने से जो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, उसके खांसने और छींकने से एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल डायरेक्टली और आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट इन सच एज पेन, बुक्स, कप्स, डोर नोब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, इन सब। कहा गया है जिसको इन्फेक्शन है उसके खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट होता है उससे तो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन हो ही जाता है, साथ साथ अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है वो जिस चीज का भी यूज कर रहा है, वो चाहे पेन हो, चाहे बुक हो, कप तो समझते हो, चाहे डोर नोब्स जो कुछ भी है, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड है, चाहे माउस, जो कुछ भी हो, उन सबको अगर जो यूज कर रहा है उसको आप छूते हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, एंड कॉज इन्फेक्शन इन, बोलो क्या लिखा है, हेल्दी पर्सन। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से, कौन से वायरस से, राइनो वायरस से, और इसमें क्या होता है, इसमें नोज में और रिस्पायरेटरी पैसेज में इन्फेक्शन होता है लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता, नॉट द लंग्स, ध्यान से देखिएगा एनसीईआरटी को, नॉट द लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। कहा गया है तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत आपको लिखी गई है, और दूसरा क्या लिखा गया है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो जो चीजें भी यूज कर रहा है उसको आप छूते हो, आपके उसके संपर्क में आप आते हो, तो आप एक हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी होने की आशंका रहती है, तो इसको आपको ध्यान देना है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है, और हम लोग जो है ये बात कर रहे हैं, और अगली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम लोग करने चल रहे हैं मलेरिया की। अब ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट अगली पैथोजन किसके नाते हो रहा है आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज इन कास्ट बाई प्रोटोजोवंस, टू आपने पढ़ा ही है, बैक्टीरिया पैथोजन हो सकता है यानी डिजीज काज कर सकता है, वायरस काज कर सकता है, तो प्रोटोजोवन भी काज कर सकता है, और वो जो भी डिजीज काज करेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। तो कहा गया किससे हो रहा, पैथोजन। यू माइट हैव हर्ड, आप तो सुना ही होगा अबाउट किसके बारे में, मलेरिया के बारे में। इंपॉर्टेंट है किसकी, किस बीमारी के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, मलेरिया के बारे में। अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, कहा जा रहा है इस डिजीज से हम लोग बहुत समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं, और लिखा है किससे होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात। मलेरिया नाम की बीमारी किससे होता है, बोलो प्लाज्मोडियम से। लिखा अटेनी या टाइनी मतलब होता है छोटा प्रोटोजोवन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
दिस डिजीज। मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन। ध्यान रखिएगा, मलेरिया किससे काज होती है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोवन है, इसको ध्यान रखना है। क्या होता है? लिखा पहले देखिए, मलेरिया में भी भैया ध्यान रखिएगा, मलेरिया में भी बुखार आता है। और मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मलेरिया में बुखार चढ़ता और उतरता है। अब ध्यान रखिए जरा, दो तो कॉमन मैंने बता दिया, टाइफाइड क्या है? बुखार है। किससे काज होता है? बैक्टीरिया से। उसमें बुखार चढ़ता उतरता है या कंटिन्यूअस बना रहता है? नहीं, कंटिन्यूअस बना रहता है। किस केस में? टाइफाइड के केस में। किससे काज होता है? बैक्टीरिया से। मलेरिया किससे काज होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन है। कहा गया है प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज हैं, यानी प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि वो काज कर सकते हैं मलेरिया की बीमारी। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, एंड कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ध्यान रखिएगा जरा, बताए मलेरिया किससे काज होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन है। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज हैं जो मलेरिया काज कर सकती हैं? आपके यहाँ तीन लिखा गया है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इससे क्या होता है, ये लोग क्या काज कर सकते हैं? मलेरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये लोग डिफरेंट टाइप के मलेरिया काज करते हैं। लिखा है मैलिग्नेंट मलेरिया काज्ड बाई प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना भैया, फैल्सीपेरम, सॉरी अंडरलाइन ऊपर हो गया, उसके स्टार बना दे रहे हैं। मलेरिया में बुखार होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक टाइप का बुखार जो जिससे होता है क्या कहा जाता है, तो कहोगे किस प्लाज्मोडियम की किस स्पीसीज से काज होता है? कहोगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन फटल, बहुत घातक होता है। घातक के केस में कहने का मतलब है, फटल मतलब घातक होता है, इतना घातक होता है कि इवन डेथ तक काज कर देता है। अभी जरा मुझे बताओ, हमने इतना पढ़ा, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन है। क्या प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज है? यस। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से। कौन सी स्पीसीज से सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से। कहा गया बहुत ही ज्यादा वो क्या होता है? घातक। ये आपको ध्यान रखना। लिखा लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, और बताया गया कि हम लाइफ साइकिल आपको पूरा समझाएंगे। लिखा है प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज किस फॉर्म में? स्पोरोजॉइट। जो प्लाज्मोडियम, और ये क्या है? इन्फेक्टियस फॉर्म है। किसका? प्लाज्मोडियम का। और कैसे जाता है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। कहा गया है मलेरिया नाम की बीमारी प्लाज्मोडियम से होती है, और ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन में कैसे पहुंचता है? कहा गया है जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, जब वो किसी भी ह्यूमन बींग्स को बाइट करती काटती है, तो वो अपना वहां पर प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। अब ध्यान रखना, हमने कहा मैंने जान के बोला है प्लाज्मोडियम छोड़ देती है, ध्यान रखिएगा, मैंने इस बात को जान के बोला प्लाज्मोडियम। किस प्लाज्मोडियम जब आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन काज करता है वो किस फॉर्म में जाता है? कहोगे स्पोरोजॉइट के फॉर्म में जाता है। बेटा हम कई बार बोलेंगे, जरा बताओ प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में जब फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से इंटर करता है तो किस फॉर्म में जाता है? स्पोरोजॉइट के फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है? स्पोरोजॉइट के फॉर्म में जाता है, ध्यान रखना है। किस फॉर्म में जाता है? स्पोरोजॉइट। क्या काज किसके बारे में पढ़े? मलेरिया के बारे में। कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, एस सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और जब प्लाज्मोडियम किसके थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। जब आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम जाता है तो किस फॉर्म में जाता है? स्पोरोजॉइट के फॉर्म में जाता है। पूछा जाएगा प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टियस फॉर्म मैन के लिए कौन सा है? कहोगे स्पोरोजॉइट। ध्यान रखना जरा, द पैरासाइट, अब पैरासाइट हुआ आपकी बॉडी में आया तो इनिशियली
मल्टीप्लाई विद इन, बोलो कहां, विद इन का मतलब होता अंदर, और कहां जाता है बोलो बेटा, लीवर के, लीवर सेल के अंदर, एंड देन अटैक, बाद में किस पर अटैक करता है, रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है, यानी आरबीसी पर अटैक करता है, रिजल्टिंग क्या होता है, आरबीसी रप्चर होने लगती है। अब ध्यान रखना, तुम कहोगे सर फीमेल एनाफ्लीज ने फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ने बाइट किया था हेल्दी पर्सन को, बाइट किया था, ठीक है, क्या छोड़ा था, स्पोरोजॉइट छोड़ा था, प्लाज्मोडियम ने क्या छोड़ा था, किस फॉर्म में हमारी बॉडी में गया था, स्पोरोजॉइट के फॉर्म में गया था। सर जब वो किस कैसे हमारी बॉडी में आता, ब्लड के थ्रू आता हुआ हमारे लीवर में पहुंचा था। तो बेटा इसकी कहानी लंबी है, अभी आप इतना ही समझो कि जब कोई कमजोर होता है तो छुपता छुपाता हुआ आता है, छुपता छुपाता हुआ हमारे ब्लड से हमारे कहां गया, लीवर में। और जरा मुझे बताओ, मैं हमेशा इस बात को बताता हूं, आपका लीवर स्पोरोजॉइट के लिए यानी प्लाज्मोडियम के लिए क्या है, एक टाइप से रेस्टोरेंट है, जहां फूड स्टोरेज का काम होता है, उसे खाने पीने को मिलता है और अपने आप को मोटा ताजा करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। बेटा लिखा ना, अपने नंबर को बढ़ाता है, कहां बढ़ाता है, लीवर में, कौन, स्पोरोजॉइट, क्यों, क्योंकि उसे वहां फूड मिलता है, खाना मिलता है, और फिर मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अटैक कर देता है, कहां अटैक करता है, आरबीसी पर, हमारी रेड ब्लड सेल पर अटैक करता है और उनको रप्चर करता है, उनको तोड़ देता है। आगे देखिएगा, द रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हीमोजोइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हीमोजोइन, रप्चर आरबीसी एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन सिक्रीट करता है, हीमोजोइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल, ये भी अंडरलाइन कर रहे हैं, एंड बोलो किसके लिए, हाई फीवर। आपसे पूछा जाएगा रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days, तभी हमने कहा था कि आपको ठंडक लग के बुखार आएगा, मेडिसिन लोग उतर जाएगा, फिर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर ठंडक लग के बुखार आएगा, यानी बुखार चढ़ेगा और उतरेगा तो बीमारी कौन सी होगी, मलेरिया। और जो आपको ठंडक लग रही है, जो आपकी बॉडी में हाई फीवर आ रहा है, वो किसके नाते आ रहा है, हीमोजोइन के नाते। हीमोजोइन क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है आपकी बॉडी में जब आरबीसी रप्चर होता है। ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम का इंफेक्टियस फॉर्म बॉडी में कौन सा है, स्पोरोजॉइट। कहां पहुंचता है पहले, लीवर में, लीवर में जाता है, क्या करता है वहां, अपने नंबर को बढ़ाता है, फिर क्या करता है, आरबीसी पर अटैक करता है। आरबीसी पर जब अटैक करेगा तो जरा मुझे बताओ, आरबीसी को रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोजोइन, और हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल है वो सिम्टम्स जो आपको आता है, चिल और हाई फीवर एवरी 3 to 4 days। ध्यान रखिएगा, व्हेन अ फीमेल इन अ फ्लीज मॉस्किटो बाइट एन इंफेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट इंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। अब कहा गया, जो कहानी को समझने का प्रयास करिए, कहा गया प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी में रहता है और स्पोरोजॉइट के फॉर्म में रहता है, कोई जिसकी जिस फीमेल एनाफ्लीज के पास में है वो स्पोरोजॉइट, वो आकर किसी को काटता है, बाइट करती है, स्पोरोजॉइट आपकी बॉडी में छोड़ देती है, स्पोरोजॉइट लीवर में पहुंचता है, खा पी करके तंदुरुस्त होता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, आरबीसी पर अटैक कर देता है और टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन सिक्रेट होता है, हीमोजोइन जो चिल और फीवर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें मलेरिया नामक बीमारी हो गई है, अब अगर उसको कोई मॉस्किटो आकर के बाइट करेगा, खाएगा, काटेगा, तो जरा मुझे बताओ उसकी बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी बॉडी में इंफेक्शन पहुंचे, किसकी बॉडी में, जो मॉस्किटो आकर के काटा है, एक मॉस्किटो आया जो काट करके छोड़ करके हमारी बॉडी में गया, अब हम इंफेक्टेड हो गए, दूसरा मॉस्किटो अगर हम जो ठीक जिसको जिसके पास ये प्लाज्मोडियम नहीं है, जिसके पास स्पोरोजॉइट नहीं है, वो आएगा हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के ब्लड को लेगा, जरा मुझे बताओ हमारी बॉडी के ब्लड में तमाम तरीके के स्पोरोजॉइट होंगे कि नहीं होंगे, और जब वो होंगे तो जरा मुझे बताओ जो मच्छर जिसके पास होंगे उसके पास भी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, वो बात कही गई है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम
फार्म बोलो क्या स्पोरोजॉइट बनाते हैं दैट आर स्टोर्ड इन बोलो देयर बोलो कहां स्लेवरी ग्लैंड अंडरलाइन करिएगा स्लेवरी ग्लैंड व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन द स्पोरोजॉइट आर इंट्रोड्यूस इन टू हिज या हर बॉडी देयर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहली बात आपको यह बताना है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि मलेरिया किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोवन के थ्रू, कौन से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन के थ्रू, किस कितनी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, तीन, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। सबसे खतरनाक टाइकोला किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से, जो घातक होता है। अब पूछा जाएगा कि फीमेल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, यहां लिखा है ना, फीमेल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में कौन होता है, आपको बताना पड़ेगा कौन होता है, तो कहोगे स्पोरोजॉइट होता है। वो मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में होता है, जिस मॉस्किटो के पास में होता है वो जिस पर्सन को जाकर के बाइट करेगी, तो स्पोरोजाइट उस पर्सन उस आदमी के जिसको काटेगी उसके बॉडी में छोड़ देगी, तो उससे मलेरिया होगा। तो आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मोडियम की कौन सी फॉर्म इन्फेक्टियस होती है, कहोगे स्पोरोजाइट। अब आपकी बॉडी में आया कहां आएगा, पहले लीवर में, अपने नंबर को बढ़ाएगा, नंबर को बढ़ाने के बाद आरबीसी पर अटैक करेगा, हीमोजोइन रिलीज होगा, आपको ठंडक लगेगी, बुखार आएगा, आप दवा वालोगे ठीक हो जाओगे। अगर मान लो उसी बीच जब आपको इन्फेक्शन हुआ है मलेरिया का, जब आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ने स्पोरोजॉइट के फॉर्म में आकर के एंटर किया और उसे समय कोई दूसरा मॉस्किटो आकर के आपको बाइट करती है, तो बताओ आप इन्फेक्टेड हो, आपको मलेरिया हुआ है, तो उसके पास भी जाएगा कि नहीं जाएगा। कहा गया यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उसकी बात किया गया, इट इज एन इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट, मलेरियल पैरासाइट दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक ह्यूमन एंड दूसरा कौन सा बोलो मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। बताया गया है कि मलेरियल पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कितने होस्ट में कंप्लीट कर, दो, एक ह्यूमन में और ये बताओ मॉस्किटो में। लिखा है द फीमेल इन अ फ्लीज मॉस्किटो इज द वेक्टर, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, लिखा बोलो ट्रांसमिटिंग एजेंट टू, यानी फीमेल इन अ फ्लीज मलेरिया फैलाने का भी काम करती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वेक्टर किसे कहते हैं, लिखा है ट्रांसमिटिंग एजेंट जो किसी बीमारी को एक जगह से दूसरे में फैलाने का काम कर रहा है उसको भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा आज हम लोग मतलब इसको इसकी थ्योरी को पढ़े हैं, इसकी लाइफ साइकिल को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और फिर से एक बार हम आपको मलेरिया समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आएगा।